बच्चों अर्थशास्त्र कला और वाणिज्य। कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आपको इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग आपको इसके पहले मैंने मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो समानता मुद्रा की परिभाषा होती है प्राकृतिक आधार पर, वर्णात्मक आधार पर और वैधानिक अधिकार पर। आपको जो आपको परिभाषाओं के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मुद्रा, जिस प्रकार अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के विषय में परिभाषा में अनेक विचार हैं, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा की परिभाषा के विषय में भी एक मत नहीं है। मतलब जो मुद्रा है उसके बारे में एक मत आप नहीं है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है, ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा। उन्होंने प्राकृतिक आधार पर भी परिभाषा दी, मार्शल ने अपनी परिभाषा दी, प्राकृतिक आधार पर किन्स ने दी, रॉबिन्सन ने दी, सबने अपनी अपनी परिभाषाओं को। उसी प्रकार वर्णात्मक आधार पर भी परिभाषा है, फिर वैधानिक अधिकार पर, फिर विस्तार के आधार पर भी आपको बताऊं मुद्रा की परिभाषाएं दी है। फिर उसके बाद है मुद्रा के जो संकुचित दृष्टिकोण और परिभाषाएं है, तो आपको बता दूं मुद्रा और बैंकिंग इकाई 6 मुद्रा, फिर हो गया। तो ये अपन पार्ट पढ़ रहे थे मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत, मुद्रा के कार्य, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, तो उसके बाद मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य में आपको बता दूं मुद्रा के चार प्रकार के कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य हो गए, गौण कार्य या सहायक कार्य हो गए, आकस्मिक कार्य हो गए या अन्य कार्य हो गए। तो मुद्रा के चार प्रकार के कार्य हैं। तो सबसे पहले मुद्रा के प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं उसमें विनिमय का माध्यम। तो सबसे पहले मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का होता है। मुद्रा के विनिमय के माध्यम से कार्य करके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को क्या कर सकते हैं, समाप्त। तो मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मतलब अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, मुद्रा। तो विनिमय के माध्यम से मतलब जो मुद्रा की अर्थव्यवस्था में कठिनाई है उनको दूर कर सकते हैं। मुद्रा के आविष्कार में विनिमय को सरल बना दिया, जिसमें वस्तु और सेवाओं से मतलब जो वस्तु और सेवाएं हैं उनको आपको प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं को ना होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के कारण मनुष्य अपना समय और शक्ति मतलब जो मुद्रा के कारण मनुष्य को अपना समय और शक्ति ऐसे दूसरे व्यक्तियों की खोज करने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे हैं, तो आप उसको मतलब कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं ढूंढोगे, आप स्वयं मतलब मुद्रा को व्यय करके दूसरे व्यक्ति को ना खोज कर अपना समय नष्ट नहीं करोगे और उसकी आवश्यक वस्तु को आप खरीद कर अपने उसके बदले वस्तुओं को मतलब जो सेवाएं स्वीकार करना होती है। उससे पहले मनुष्य के पास फलता मुद्रा विनिमय के कार्य को बहुत सरल और सहज बना दिया। मतलब मुद्रा ने जो मुद्रा है उसने विनिमय के कार्य को बहुत सरल और सहज बना दिया। दूसरा है मतलब मूल्य का वाहक। तो मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य
मतलब कोई वस्तु की जब आप कीमत देते हो, मूल्य देते हो, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, अपन उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी कठिन कठिनाई का निर्णय करना, वस्तु की मात्रा के बदले में वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए, मतलब जो वस्तु का मूल्य है उसके बदले में कितनी मूल्य, मतलब जो मुद्रा की मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। समानता मूल मापक कार्य में समाज को असुविधा से मुक्त करा दिया। आजकल जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, तब मूल्य की इकाइयों से व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करके आर्थिक गणना का कार्य सुगम हो गया, जिसमें उपभोक्ता जो वस्तु खरीदने में सुगमता होती थी, वह मांग के अनुसार उत्पादक वर्ग वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और मुद्रा का मूल्य मापक के रूप में आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या है, मतलब आप कोई भी वस्तु को, कोई भी जो वस्तु है उसका मूल्य मापक का कार्य करके समाज को असुविधा से क्या कर सकते हो, मुक्त कर सकते। अर्थात जो भी आपने वस्तु का उत्पादन किया उसका वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया, मूल का मापक कर दिया, तो इससे समाज में जो लोग हैं वे असुविधा से उनको क्या कर दिया, आपने मुक्त कर दिया। उसके बाद है मूल्य संचय का आधार। मुद्रा का दूसरा वर्ण कार्य है मूल्य संचय का आधार। वस्तु के मूल्य संचय का कार्य करना, वस्तु विनिमय प्रणाली के अभाव से धन संचय करने से क्या होती है, कठिनाई होती है, तो मूल्य का संचय होता है। तो मुद्रा के जो मुद्रा से आविष्कार हुए उसी कठिनाइयों को दूर कर दिया और धन संचय को सफल बनाकर, मतलब आप विपत्ति के लिए क्या करते हो, धन का संचय करते हो, धन को संचय को सफल बनाकर मुद्रा के योग में पूंजी संचय और बड़े पैमाने में उत्पादन का एकमात्र साधन बना, मुद्रा से ही बचत करने की क्रिया संभव हुई। इस प्रकार मुद्रा मूल और क्रय शक्ति में संचय सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ये हो गया आपका दूसरा मूल्य संचय का आधार। फिर है तीसरा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो जो मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्रय शक्ति का, मतलब जो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, तो मुद्रा के द्वारा ही क्रय शक्ति एक मनुष्य से, जो क्रय शक्ति है वह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित किया जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा के विनिमय को क्या करते हैं, अपन व्यापक बनाने में क्या है, सहायक है। मुद्रा का यह कार्य नहीं होता कि वह समाज की आर्थिक उन्नति का चक्र अवरुद्ध हो, और मुद्रा के इस कार्य को वस्तु और सेवा के क्रय विक्रय से दूर होता है। फिर है आकस्मिक कार्य। मुद्रा के ऐसे ही आपको अभी बता दूं, मैंने आपको दो कार्य बताए, एक है मुद्रा के कार्य में प्राथमिक कार्य और दूसरा था गौण और तीसरा है आकस्मिक कार्य। फिर तीसरे कार्य में आपको बता दूं साख का आधार। तो मुद्रा में आकस्मिक कार्यों को सर्वप्रथम साख के आधार पर, मतलब साख के आधार पर कार्य करता है। फिर आज के युग में, आज का युग कैसा युग है, मुद्रा का महत्व, मुद्रा से ही आपको सब कुछ मुद्रा के महत्व से ही हो रहा है। तो आज के युग में साख मुद्रा का महत्व और मुद्रा के महत्व अधिक हो गया है, मुद्रा के बिना कोई भी कार्य नहीं संभव नहीं है। आजकल समस्त औद्योगिक हो गए, व्यापारिक गतिविधियां हो गई साख मुद्रा पर आधारित हो, मतलब जो ये गतिविधियां हैं औद्योगिक गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियां, इसकी आधारशिला क्या है, मुद्रा, जिसके द्वारा बैंक द्वारा उत्पन्न साख से अर्थव्यवस्था की उन्नति संभव हुई और अर्थव्यवस्था के विकास में क्या हो गए, ये अग्रसर हो गए, और मुद्रा के अभाव से साख मुद्रा पर विचार केवल एक, मतलब गलत है, मुद्रा के अभाव से साख मुद्रा पर विचार केवल गलत है, इससे मुद्रा साख का आधार होता है। फिर है आय के वितरण में सहायक। तो मुद्रा है उसका दूसरा आकस्मिक कार्य है वह सहायक, मतलब आय के वितरण में क्या कार्य है, सहायक है। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय में उत्पादन में विभिन्न साधनों में वितरणों में इसको क्या क्या प्राप्त होती है, सुविधा प्राप्त होती है, और प्रत्येक व्यक्ति देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न साधनों को, मतलब तो मुद्रा तो इसके प्रत्येक साधनों को उसके सहयोग का, मतलब जो सहयोग से उचित प्रतिफल मिलता है। और मुद्रा से न केवल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रत्येक साधनों के
भुगतान के अनुपात से मुद्रा में ही दिया जाता है, तो जो भुगतान के अनुपात में से दिया जाता है। फिर तीसरा है पूंजी के समान रूप का आधार, जो पूंजी है उसका समान रूप का आधार क्या है, मतलब समान रूप से उसका आधार करके मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आजकल जो धन हो गई या मतलब पूंजी से मुद्रा के रूप में क्या करते हैं, जो पूंजी होती है उसे मुद्रा के रूप में ही रखा जाता है और तरलता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। और आधुनिक युग में मतलब जो आधुनिक युग है उसमें मुद्रा के स्थान का विशेष महत्व है, फिर पूंजी का समान आधार। फिर उपयोगिता, उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक, मतलब मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता की आय के जो विभिन्न प्रकार के व्यय करता है उसमें एक समान उपयोगिता प्राप्त होती है, उस आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और प्रत्येक उत्पादन के क्षेत्र में उसका प्रयोग करके उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा के प्रयोग के सभी साधनों को सीमित उत्पादन के बराबर, मतलब जो उत्पादन के क्षेत्र है उसके प्रयोग करने के बाद मतलब जो साधनों के सीमित उत्पादन को बराबर कर सुविधा प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन क्या होता है अधिकतम होता है, मतलब कोई भी साधनों का अपन उत्पादकता के बराबर जो सुविधाएं प्राप्त होती है, मतलब आपको मुद्रा भी प्राप्त है साधन भी प्राप्त है, तो उससे उत्पादन क्या होगा आपका ज्यादा होगा, इससे उत्पादन का मतलब जो उत्पादन है वह अधिकतम होता है। मुद्रा के अन्य कार्य, तो मुद्रा के अन्य कार्य में इच्छा की वाहक, मतलब मुद्रा के उपयुक्त कार्यों के अलावा अर्थशास्त्र में मुद्रा के अन्य कार्य भी दिए, तो जो अन्य कार्य में हो गया जो है मतलब इच्छा की वाहक, तो ग्राहन ने इस परिभाषा के द्वारा व्यक्त किया कि मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है, मतलब मनुष्य को समाज ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा भाव भावी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकती है। मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं का संचय किया जाए तो सुविधा उपलब्ध, मतलब जो वस्तुओं के स्थान तो वस्तुओं का संचय किया जाए तो सुविधा क्या होती है उपलब्ध नहीं हो सकती, और मुद्रा वह गुण है मतलब जो मुद्रा है वह गुण है जिससे समय मतलब किसी भी वस्तु को तब किसी भी समय आप क्या कर सकते हो विनिमय किया जा सकता है, और मुद्रा मनुष्य की भावी निर्णय लेने में क्या करती है, आपके पास मुद्रा है तो आप हर कार्य करने के लिए मतलब हर निर्णय भावी निर्णय लेने में क्या होता है सहायक होती है। फिर है तरलता संबंधी रूप, तरल संबंधी किस के मतानुसार मुद्रा तरल रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है, तरलता के कारण मतलब जो तरलता के कारण मुद्रा स्वयं संचय का कार्य करती है, मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे उत्तम संपत्ति है, मनुष्य प्रत्येक मनुष्य को अपनी संपत्ति से अन्य संपत्ति संचित करने की बजाय मुद्रा के रूप में संचित करता है, मनुष्य कई कारणों से मुद्रा को तरल व नगद रूप से आकस्मिक संकट का सामना करना और प्रतिदिन लेन देन सटेक निवेश आदि के उद्देश्य से मुद्रा को तरल संपत्ति के रूप में रखता है। तरलता संबंधी मतलब किस ने तरलता के कारण मुद्रा को स्वयं मूल संचय का कार्य करती है, मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे उत्तम संपत्ति है, मुद्रा से ही संपत्ति को क्या कर सकते हैं अपन क्रय कर सकते, अन्य संपत्ति को संचित करने की बजाय मुद्रा के रूप में से क्या करते हैं संचित करते हैं और मुद्रा को तरल या नगद रूप में भी रख सकते हैं। और आकस्मिक मतलब जो आकस्मिक संकट होते हैं उनका सामना करने के लिए प्रतिदिन के लेन देन के लिए या निवेश के लिए मुद्रा से तरल संपत्ति के रूप में उसको रखता है। के बाद भुगतान क्षमता का सूचक, यह हो गया तरलता संबंधी रूप। फिर इसके बाद हो गया आपका
तीसरा कारण है भुगतान क्षमता का सूचक। तो आरपी कैट के अनुसार उन्होंने मुद्रा मनुष्य को ऋण भुगतान करने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करती है। मतलब जो मुद्रा है मनुष्य को ऋण लेने और देने दोनों भुगतान करने की क्षमता प्रदान करता है। आप किसी भी फर्म हो गए तो मुद्रा रूपी जो तरल संपत्ति होती है उसके भुगतान करने में क्या होती है, क्षमता की सूचक होती है। मुद्रा अनुपस्थित व्यक्ति या फर्म की दिवालिया घोषित भी कर सकती है। मतलब जो भी फर्म है आपके पास अगर मुद्रा नहीं है तो उसकी मुद्रा की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति व्यापार को फर्म को आप क्या कर सकता है, अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से वह अपने आपको दिवालिया घोषित भी कर सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति और फर्म को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए आय तथा साधनों के कुछ भाग को नगद संचित रखना आवश्यक होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास फर्म है तो उसके ऋण के भुगतान करने के लिए अपनी आय में अन्य साधनों से कुछ चीजों को वह करता है नगद रूप में क्या करता रखता है, नगद रूप में संचित या सेविंग करके रखना उसके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये आपने पढ़े उपयुक्त कार्यों के विषय में स्पष्ट होता है कि समाज में आर्थिक विकास के लिए मुद्रा क्या है, अत्यंत आवश्यक है। जब आपने इसकी पूरी परिभाषा पढ़ी कार्य पढ़े इससे ये सिद्ध होता है कि मुद्रा उपयुक्त कार्यों की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा कैसी है, बहुत अत्यंत आवश्यक है। वो मुद्रा के अभाव से मनुष्य सभ्य जीवन बिताना अत्यंत कठिन है। मतलब मुद्रा अगर मनुष्य के पास मुद्रा नहीं है तो वह मनुष्य के लिए सभ्य जीवन बिताना अत्यंत क्या है, कठिन कार्य है। और मानव सभ्यता के विकास के लिए मुद्रा का उपयोग अत्यंत आवश्यक। तो ये आपने मुद्रा के कार्य देखे। तो मुद्रा के कार्य होते हैं चार, तीन प्रकार के कार्य होते हैं, चार प्रकार के कार्य होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य और गौण कार्य। के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत होता है विनिमय का माध्यम, मूल का मापा, भावी भुगतान, भावी संचय। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत हो गए साख का आधार, उसमें आय का वितरण, पूंजी में समान उपभोक्ताओं द्वारा सब सीमांत उपयोगिता करने में सहायक। फिर मुद्रा के जो अन्य कार्य हो गए जिसमें इच्छा बाहर, मतलब आपकी इच्छा से कोई वस्तु को खरीद क्रय विक्रय कर सकते हो, तरलता संबंधी हो। फिर है भुगतान क्षमता का सूचक। तो इस विवेचना के आधार पर आपको बताएं कि मनुष्य के जीवन में मुद्रा का बहुत महत्व है। मुद्रा के बिना मनुष्य का जीवन बिताना अत्यंत कठिन है। धन्यवाद।